आजकल दुनिया भर के दिग्गज क्रिकेटर अपनी अपनी ऑल टाइम फेवरेट टेस्ट टीम, ओडीआई टीम और टी20 टीम चुनने का ट्रेंड चला हुआ है। इसी क्रम में एक और नाम जुड़ गया है, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और दिग्गज कमेंटेटर आकाश चोपड़ा का। आकाश चोपड़ा ने अपनी ऑल टाइम फेवरेट टी20 टीम का ऐलान किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस टी20 टीम में केवल एक भारतीय खिलाड़ी को जगह मिली है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं आकाश चोपड़ा की ऑल टाइम फेवरेट टी20 टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। आकाश चोपड़ा ने अपनी बेस्ट टी20 टीम का ऐलान करते हुए ओपनिंग की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर तथा इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जॉस बटलर के कंधों पर दी है। जॉस बटलर उनकी टीम के विकेट कीपर भी होंगे। तीसरे नंबर पर उन्होंने न्यूजीलैंड के कॉलिन मुनरो, चौथे स्थान के लिए पाकिस्तान के बाबर आजम को चुना है। पांचवें नंबर पर दक्षिण अफ्रीका के एवी डी विलियर्स, जबकि छठे स्थान पर वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसल होंगे। सातवें स्थान के लिए बांग्लादेश के साकिबुल हसन, आठवें स्थान पर अफगानिस्तान के स्पिनर राशिद खान, नौवें पर नेपाल से संदीप लामिछाने तथा दसवें तथा ग्यारहवें स्थान के लिए पेस अटैक की जिम्मेदारी उन्होंने लासित मलिंगा एवं जसप्रीत बुमराह के कंधों में दी है। आकाश चोपड़ा की बेस्ट टी20 टीम की खास बात यह रही कि उन्होंने हर देश से केवल एक खिलाड़ी का ही चयन किया है। उन्होंने अपनी इस टीम के बारे में बात करते हुए कहा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा को जगह क्यों नहीं दी। उन्होंने बताया कि मेरी इस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह नहीं बनती, क्योंकि मैं हर देश से केवल एक ही खिलाड़ी को ले सकता हूँ और मुझे जसप्रीत बुमराह बेस्ट लगे। आकाश चोपड़ा ने अपनी टी20 की कप्तानी की जिम्मेदारी ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर के कंधों में दी है। तो दोस्तों आपको यह टीम कैसी लगी? क्या इस टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह बनती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।